नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 479वां एपिसोड। सो आज भाई 13 दिसंबर की तारीख हो चुकी है एंड रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आई है, स्पेशली ईशान किशन मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से, कुछ रिपोर्ट आरसीबी को लेकर भी है, सारी खबरें बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, इवन 70% लोग नहीं करते, तो अपनी आईपीएल की फैनगिरी लाइक के बटन पर दिखाइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन हिट कीजिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से तो ये रिपोर्ट लखनऊ की टीम को लेकर आ रही है। दोस्तों लखनऊ की टीम राशिद खान से पल्ला झाड़ सकती है। आपको पता होगा कि राशिद खान को 16 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था लखनऊ वालों ने, और ये कहा था कि आप एसआरएस से रिटेन मत होना ताकि हम आपको प्री पिक में स्पेशल पिक में खरीद लेंगे। लेकिन रिपोर्ट ये है, ऐसा हो सकता है, जी न्यूज के हवाले से रिपोर्ट आ रही है, ऐसा हो सकता है कि लखनऊ के राहुल को तो 20 करोड़ दे दे लेकिन शायद राशिद खान को ना करे, खरीदे नहीं। और अगर ऐसा हो गया तो राशिद खान सचमुच बड़े घाटे में चले जाएंगे, क्योंकि फिर इन्हें नीलामी में जाना पड़ेगा और नीलामी में पता नहीं है भाई कि कितना पैसा आप पर गिरेगा, क्या 10 करोड़ गिरेगा, 15 गिरेगा या 5 गिरेगा, ये तो फिर नीलामी ही बताई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन में की दूसरी बड़ी खबर की, तो ये रिपोर्ट गौतम गंभीर के हवाले से आ रही है। दोस्तों गौतम गंभीर ने एक बड़ी बात कही है, ये बात इन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर कही, और इस बात से आप भी सहमत होंगे। गंभीर ने कहा है कि रोहित हैज वॉन 5 आईपीएल टाइटल, मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। लोग ये बोल रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ रोहित शर्मा ऐसा राइट, ऐसा सही कुछ कर रहे होंगे जिसके चलते वो 5 ट्रॉफी जीत पाए। भाई गंभीर का कहना यही है कि रोहित कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, रोहित की कप्तानी में कुछ तो होगा ही ना, रोहित शर्मा जरूर कुछ नहीं कुछ ऐसी कप्तानी कर रहे होंगे गंभीर के अनुसार कि वो 5 आईपीएल टाइटल जीत पाए, ट्रॉफी जीत पाए। मैं इनसे 100% सहमत हूं, एक अलग लेवल की कप्तानी हमें देखने को मिली है रोहित शर्मा के हवाले से। लेकिन क्यों वो उस समय भारत के कप्तान नहीं बनाएगा, ये भी सवाल उठ रहा है, और क्यों विराट को इस तरह से हटाया गया, ये भी सवाल उठ रहा है। तो ये दोनों सवाल है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की, ये रिपोर्ट आईपीएल के मेगा ऑक्शन के हवाले से आ रही है। दोस्तों मेगा ऑक्शन की तारीख को लेकर अब थोड़ा सा पर्दा हटने लगा है, और जो तारीख हमने बताई थी उसके करीब ही टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रही है। दरअसल दोस्तों सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आईपीएल का मेगा ऑक्शन हो सकता है, और कुछ इसी तरह की रिपोर्ट हमने भी आपको बताई थी कि मेगा ऑक्शन कब हो सकता है। तो जनवरी में मेगा ऑक्शन होगा और थोड़ा सा डिलेड मेगा ऑक्शन होगा, मतलब पहले फर्स्ट वीक कहा जा रहा था बट नाउ सेकेंड वीक ऑफ जैन कहा जा रहा है मेगा ऑक्शन के लिए। अब देखते हैं भाई मेगा ऑक्शन के लिए तो हम सभी कोई एक्साइटेड है, अगर आप भी है तो कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की, सौरव गांगुली के हवाले से ये रिपोर्ट है। सौरव गांगुली ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है होपफुली वी कैन होस्ट आईपीएल इन इंडिया नेक्स्ट ईयर। अब पहले जय शाह ने बयान दे दिया था कि अगले साल का आईपीएल तो भारत में ही होगा, लेकिन जो सौरव गांगुली है वो ये बोल रहे हैं कि होपफुली, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भाई अगले साल का आईपीएल भारत में हो जाए, मतलब फिर वही संकट के बादल, फिर वही सारी चीजें, होगा नहीं होगा उस लाइन में हम फिर से घुसने लगे। और मैं फिर बोल रहा हूं भाई ऐसी लाइन में ना जाओ, ना घुसो तो बेहतर है, और मैं तो चाहता हूं भारत में हो जाए। बट अब ये बयान जो सौरव गांगुली का आया है सुनकर ऐसा लग रहा है बिकॉज ओमिक्रॉन वायरस आया है, क्या फिर से भारत में अगले आईपीएल कराने पर विचार होगा या फिर बीसीसीआई एक सेफर साइड पकड़कर यूएई में जाएगा? आप इस पर अपनी राय कमेंट में दीजिए, बताइए। अगर आप इंडिया में आईपीएल चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप यूएई में जाते हैं तो जाइए कमेंट बॉक्स में, बताइए अपनी राय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की, तो वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स को बिल्कुल निराश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम ने इन्हें रिटेन कर लिया था, लेकिन अब वेंकटेश अय्यर रिटेन होने के बाद धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं। इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने शतक लगाया, और साथ ही साउथ अफ्रीका टूर के लिए धवन से पहले अपनी जगह भी बुक कर ली, मतलब धवन के ऊपर इनका सिलेक्शन लिमिटेड ओवर जो सीरीज होने वाली है साउथ अफ्रीका उसमें हो सकता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर भारत का एक नया ओपनर हो, और धवन का क्योंकि अच्छा फॉर्म है विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं चल रहा है, भुगतना पड़ सकता है धवन को। अब अगर आप धवन के फैन है तो उस पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठी बड़ी खबर की, तो रिपोर्ट्स बहुत तगड़ी है, और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि ईशान किशन ना मुंबई इंडियंस ना लखनऊ अहमदाबाद किसी टीम में नहीं, पंजाब की टीम का हिस्सा बनने वाले। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट्स पंजाब किंग्स के हवाले से वो ये है,
कि पंजाब की टीम एक बड़े भारतीय बल्लेबाज पर एक बहुत बड़ी बिडिंग करने वाली है। आपको बता दूं पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे बड़ा बैलेंस पर्स इस नीलामी में किसी भी टीम के पास है तो वो पंजाब की टीम के पास है। मतलब एक बड़े भारतीय खिलाड़ी पर बोली जो ये रिपोर्ट आई है लगाने की बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। वो बड़ा भारतीय बल्लेबाज कौन होगा भाई नीलामी में, खुद हिंट समझ लीजिए, ईशान किशन ही है वो खिलाड़ी, या तो देवदत्त पड्डीकल है लेकिन शायद वो उतने ज्यादा हॉट पिक ना हो जितने ईशान किशन है, क्योंकि इस समय पिछले वर्ल्ड कप भी खेले और हमने देखा कि किस तरह से इनका उदय हुआ। विराट भी चाह रहा है मतलब पंजाब किंग्स की टीम ईशान किशन पर एक बड़ी लंबी चौड़ी बिडिंग कर सकती है और ईशान किशन भाई अगले साल पंजाब में खेल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से। मुंबई इंडियंस की टीम में नॉर्थ कश्मीर के प्लेयर नासिर लोन खेलने वाले। रिपोर्ट ये बताई जा रही है कि मुंबई की टीम ने नासिर लोन को जो है ट्रायल्स के लिए मंगाया है, मेगा ऑक्शन से पहले बुलाया है और लोन गए भी हैं। मतलब यहां से एक चीज हमें समझ में आ रही है कि उरमान मलिक के बाद फिर से एक और कश्मीरी खिलाड़ी हमें दिखेगा और वो शायद मुंबई इंडियंस की टीम में दिखे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी खबर की। तो इंडिया अंडर 19 के हवाले से रिपोर्ट है। इंडिया अंडर 19 एशिया कप स्क्वाड का ऐलान हो गया है और यश ढुल कप्तानी करेंगे। तो भाई यश ढुल के लिए भी एक लाइक बनता है और आपके यश तिवारी के लिए भी लाइक बनता है। नीचे लाइक का बटन है, जरूर हिट करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दसवीं बड़ी खबर की। तो डेविड वॉर्नर ने एक अजीबोगरीब पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पर और उसका रिप्लाई, उस पर रिप्लाई विराट कोहली ने दिया। पहले पोस्ट आप देखिए, वैसे पोस्ट हम चला तो नहीं सकते कॉपीराइट इश्यूज के चलते, लेकिन उस पर जो रिप्लाई आया विराट कोहली का वो बहुत ज्यादा हिलेरियस था, क्योंकि विराट ने पूछा कि क्या भाई डेविड वॉर्नर आपकी मानसिक स्थिति सही है या नहीं, क्योंकि लगातार इंस्टाग्राम पे इस तरह के पोस्ट डालने के लिए डेविड वॉर्नर जाने जा रहे हैं और इंडिया से अपना बहुत लगाव बता भी रहे हैं। जाहिर उन्हें ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ये तो थी भाई दिन भर की दस बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में आप बताए ना आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी, क्यों अच्छी लगी क्यों नहीं। भाई यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया तो कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय जरूर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।